ये सर रूपा जी, बात करें अगर गौर कॉम्प्लेक्स के बाद अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में भी हम देख रहे हैं कि कुछ मंडियों से खबरें निकल के सामने आई है कि जो किसान है सोयाबीन के, अब वो अपना माल लिक्विडेट करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉक करे हुए ऑलमोस्ट 3-3.5 महीने बीत चुके हैं, और जिसकी वजह से सोयाबीन में कुछ बढ़त बनती नजर आई थी। लेकिन अब आगे जो ओमिक्रॉन की स्थिति है उसकी खबरों के चलते किसानों ने अब सोयाबीन को धीरे धीरे लिक्विडेट करना शुरू कर दिया है, बेच के चलना शुरू कर दिया है। और वायदा में भी देख रहे हैं कि आज सोयाबीन का दिसंबर वायदा 6400 पर कारोबार करता नजर आ रहा है, 0.25% की गिरावट सोयाबीन में बनती नजर आ रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से मंडियों में आवकों का प्रेशर बढ़ा है और USDA ने अपना जो उत्पादन अनुमान है ग्लोबली उसमें थोड़ी कमी की है कि सोयाबीन का उत्पादन थोड़ा कम रहेगा, ऐसे माहौल में सोयाबीन की कीमतें आगे कहां तक जा सकती हैं? देखिए, अभी सोयाबीन की कीमतें जिस तरीके से अराइवल प्रेशर देखने को मिल रहा है उसका असर जो है वो अभी फिलहाल प्राइसेस के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है, और प्राइसेस जो है ऊपरी स्तरों पर फिसले हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो फंडामेंटली सपोर्टिव है, अभी भी कोई बहुत ज्यादा गिरावट बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इंट्राडे में देखिए एक्सपायरी भी है, इस वजह से भी प्रेशर है। जनवरी वायदा नीचे में एक बार 6280 तक लुढ़कता हुआ फिलहाल दिखाई दे सकता है। जी,